हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। तो ये जी कुछ बच्चों के सवाल आ रहे थे कि एनएफओबीसी एनएफएससी का जो फेलोशिप है, ठीक है, अभी हमारा एग्जाम जून वाला कंप्लीट हुआ है, रिजल्ट्स आए हैं, तो क्या हमारा जो रिजल्ट है वो दिसंबर 2024 और जून 2025 का मिला के साथ में आएगा या फिर अलग अलग रिजल्ट आएगा? क्योंकि लास्ट वीडियोज में मैंने बताया है कि जो दिसंबर रिजल्ट आता है नेट का, नेट के रिजल्ट के 2-3 महीने बाद जो है वो आपकी रिजल्ट आते हैं, किसकी, एनएफओबीसी और एनएफएससी की। अब बात करें एनएफओबीसी और एनएफएससी में, तो देखिए दिसंबर का एग्जाम तो ऑलमोस्ट, चूंकि जून का एग्जाम ही अभी हुआ है, उसका उसके ही रिजल्ट आए 1 महीने पहले, तो अब जो दिसंबर का एग्जाम है वो चांसेस है, मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि वो जनवरी में होगा। तो अब अगर जनवरी में होगा और आपका एग्जाम नवंबर में कंप्लीट हुआ है जून वाला, तो भैया नवंबर के बाद 3-4 महीने मतलब जनवरी फरवरी होता है, तो क्या ऐसा हो सकता है क्या कि दिसंबर वाला एग्जाम और जो जून वाला एग्जाम है ये दोनों मिला के जो है वो आपका क्या करे, आपका रिजल्ट दे, है ना? तो ऐसा बिल्कुल भी चांसेस कम है ना। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि देखिए आपका एग्जाम नवंबर में हुआ है ना, नवंबर में कंप्लीट हुआ, रिजल्ट्स आए, नवंबर दिसंबर जनवरी ये 3 महीने ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाते हैं। तो जनवरी में अगर आपका नया एग्जाम होता भी है आपका जो ये दिसंबर वाला, तो दिसंबर वाला अगर एग्जाम जनवरी में हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जून के जो रिजल्ट्स आपके होते हैं, वेट के ऑलरेडी एग्जाम डिले था, ऑलरेडी एग्जाम दोबारा हुए जून के, ऑलरेडी इतने सारे डिले हो चुकी है, तो उसमें डिले होने के चांसेस कम है। तो आपका जो जून वाला है वो मोस्ट प्रोबेबली आप मान के चलिए दिसंबर जनवरी में आपका रिजल्ट आ जाएगा और आपकी फेलोशिप आपको जरूर मिल जाएगी। अब बात रही कि आगे क्या करना है, आगे वाले क्या चीजें, तो आगे आप सारा डॉक्यूमेंट्स रेडी रखें, सारी जितनी भी एनएफओबीसी या एनएफएससी के लिए जो डॉक्यूमेंट होती है मैंने वीडियोज में बताया ऑलरेडी, मैं लिंक भी डाल दूंगा, आप देखिए वो सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी रखिए, है ना, सर्टिफिकेट हो गया, ओबीसी सर्टिफिकेट हो गया, सारे अपने कोई अगर डॉक्यूमेंट छूट रहा है तो उसको भी बना लीजिए, आधार कार्ड अपडेट करा लीजिए, वोटर आईडी बनवा लीजिए, तो ये सारे डॉक्यूमेंट आप बना के रखिए, है ना, क्योंकि फेलोशिप आने पर आपको तुरंत अप्लाई करना है। तुरंत अप्लाई करने पर क्या होगा कि जल्दी से जल्दी आपके अमाउंट के जो है फेलोशिप है वो आएंगी, है ना, और फेलोशिप आएगा तो फिर भैया मजेदार वाली बात है। अब दूसरा चीज ये हो सकता है कि सर संभावनाएं तो है, संभावनाएं क्या है कि भैया दिसंबर का एग्जाम मान लो चला गया फरवरी या मार्च, एक मैं नेगेटिव पॉइंट लेके चल रहा हूं, वैसे तो जाने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन मैं अगर एक पॉइंट लेके चल रहा हूं कि अगर वो जनवरी में नहीं होता है, फरवरी और मार्च में चला जाता है, हाँ तो चांसेस है कि आपके रिजल्ट जो है वो लास्ट वाले दिसंबर का और जून का उसी टाइम में दे दिया जाए जब आपका दिसंबर वाला रिजल्ट आएगा, तो चांसेस है, लेकिन इसके चांसेस बहुत कम है, मैं कहता हूं 5% भी चांसेस नहीं है कि ये चीज हो सकती है, 95% पॉसिबिलिटीज ये हैं कि आपके जो रिजल्ट हैं यानी कि जनवरी दिसंबर और जनवरी के बीच में एनएफओबीसी का लिस्ट भी आ जाएगा और एनएफएससी का भी लिस्ट आ जाएगा, एनएफएसटी का भी लिस्ट आ जाएगा। तो ये जितने भी फेलोशिप्स हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना मैं समझ सकता हूं पॉसिबिलिटीज नहीं होती है, तो वो आपके आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है जी। अगर आपको भी लग रहा है इसमें कोई दिक्कत है या फिर एनएफएससी एनएफओबीसी रिलेटेड कोई दिक्कत आ रही है, तो आप मुझे जो है हमारा नीचे दिया गया नंबर है उस नंबर पे आप कॉल करके या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं। कहीं भी दिक्कत आ रही होगी तो उसमें मैं हेल्प करूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एनएफओबीसी और एनएफएससी में मैंने हेल्प करा है, तो आज आपकी भी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा सकूं, है ना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, ये कंफ्यूजन भी हो जाना चाहिए आपका कि जो आपका रिजल्ट है वो इसी बार आएगा, जनवरी के आसपास में आ जाएगा, तो ये कंफ्यूजन अगर दूर हो गया तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।